हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का एनसीसी बिहार एंड झारखंड की तरफ से फॉर्म निकल के आया हुआ है। तो समझ लेते हैं क्या फॉर्म है। अब जैसे ही आप लोग गूगल पे आना, गूगल पे आने के बाद मैं जैसे सेम टू सेम प्रोसेस कर रहा हूँ वैसे करना। सिंपली ये क्लिक कर लेना, आपको इसके बाद इंटर कर लेना। पहला साइड दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक कर लेना। यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख पा रहे हो वेरियस पोस्ट में, मतलब अलग अलग पोस्ट में जैसे देख पा रहे हो क्लर्क है, इसके बाद देखो एरो मॉडलिंग है, स्टेनो है, अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म निकल के आया हुआ है। सबका क्वालिफिकेशन देखना, तो देखो यहाँ कलर का क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसके बाद टाइपिंग होना चाहिए आप लोग का 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होना चाहिए। इसके अलावा यदि डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग कर सकते हो, मतलब ये सिर्फ 12th होगा और कंप्यूटर होगा तो आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये अलग अलग सबका जो स्टेनोग्राफर का, देखो 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए हिंदी इंग्लिश। देखो अलग अलग पोस्ट का, देखो स्टोर कीपर का, ठीक है, 12th पास ये भी होना चाहिए, सब में टाइपिंग मांगा गया है। तो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो देख पा रहे हो बहुत टाइप से पोस्ट है, HIJ, मतलब 10 पोस्ट है। देखो अपने मुताबिक आके देखो, ये जैसे कि ये देखो एक स्वीपर पोस्ट है, सिर्फ आप लोग 10 पास हो तो भर सकते हो। इसका देखो चौकीदार है, सिर्फ आप लोग 10 पास हो किसी भी बोर्ड से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपके आपको आके पूरा डिटेल पढ़ लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और आपको मैं सिंपली फॉर्म फिलअप का वीडियो बताऊंगा, ठीक है। यदि आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सिंपली आपको नीचे जब आओगे तो नीचे भी आपको ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करेगा। देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड करना है। इसके बाद आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और ये फॉर्म को आपको परमानेंट जॉब नहीं समझना, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर्म है, ठीक है। जब आप नीचे आओगे देखो इसके अलावा यहाँ देखो कौन पद है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना कितना पोस्ट है, टोटल डिटेल बताया गया, टोटल पोस्ट इसमें 45 है। तो आके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और ये जो पोस्ट में किसी को कोई फीस नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप लोग इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर्म है, लेकिन ये कभी कभी परमानेंट हो जाए। देखो आप लोग लोकेशन वाइज वैकेंसी, आप लोग कहाँ का लोकेशन, आपको इतना जगह में आप लोग का मतलब हो जाएगा, तो आप लोग इतना जगह में कोई जहाँ से आप लोग भरोगे वहीं आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगी। पटना में देख पा रहे हो टोटल 11 कलर का पोस्ट है, ड्राइवर का इतना इतना पोस्ट है। देखो ड्राइवर, लश्कर, पियून, अपने मुताबिक आके आप लोग एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है, आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद एक चीज आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, देखो यहाँ बताया गया है 19,000 आप लोग को पेमेंट मिलेगा, ठीक है। देखो सब सबका अलग अलग है, ये ग्रेड 3 का 19,000 है और ग्रेड 4 वाला का 18,000 है। इसके बाद जो कंडीशन क्या है, 11 मंथ तक आप लोग का मतलब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, 6 महीना आप लोग ट्रेनिंग दिया जाएगा, 5 महीना आप लोग काम करोगे, ठीक है। इसके बाद देखेगा कि आप लोग काम करने में सही हो तो आप लोग को आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा या आपको हटा भी सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छा खासा पेमेंट है, यदि आप लोग को काम का जरूरत है और आप लोग काम करना चाहते हो तो आप इस सब पोस्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं बताता हूँ फॉर्म फिलअप कैसे करना है। आपको सिंपली नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक है टू अप्लाई, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो मेल आईडी देखने को मिल जाएगा, यदि आपको ये मेल आईडी से नहीं चाहिए तो देखो यहाँ पे स्विच अकाउंट दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको ये जो मेल आईडी है, सिंपली ये मेल आईडी आपको यहाँ पे फिर लिख लेना है। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है, और मेल आईडी आप लोग दोगे तो एकदम सही से चेक कर लेना, क्योंकि आपका टोटल डिटेल इस फॉर्म के रिलेटेड कब आएगा कब नहीं सब मेल आईडी पे ही मिलेगा। तो आप लोग को मेल आईडी एकदम सही से देना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा, इंटर एप्लीकेंट नेम आप लोग का नाम दे देना, आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, मार्कशीट से रिलेटेड देना आप लोग एकदम जो सही हो, ठीक है। अपने मुताबिक आप लोग यहाँ पर अपना नाम दे देना है। इसके बाद आप लोग जेंडर बता देना है, मेल फीमेल क्या हो अपने मुताबिक। इसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करके आपको बता देना है, डेट ऑफ बर्थ आपका कितना है। इसके बाद यहाँ आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेम ऑफ फादर, हस्बैंड, यदि कोई महिला होगी तो आप लोग यहाँ पर पापा का नाम आप लोग का दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का मदर नेम दे देना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नंबर एकदम सही से देना है। इसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी दे देना है, जो आप लोग अलग 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 भी दे सकते हो। इसके बाद आपको नेशनलिटी बता देना है, इसके बाद आप किस कैटेगरी से आ रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो आप लोगों को फीस नहीं लगेगा, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने मुताबिक कोई कैटेगरी आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को बता देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आप लोग को बता देना है आप लोगों को, तो यहाँ से यस नो करना है, ठीक है। जैसे आप लोग विकलांगता हो तो यस बताओगे, नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। फ्रीडम फाइटर हो कि नहीं सिंपली बता देना है। और देखो इससे अलावा जब कोई भी सर्टिफिकेट देते हो EWSSC तो आप लोग सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो जनरल में आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप लोग को दे देना है, यहाँ पे आप लोग का पैन कार्ड नंबर दे देना है, इन केस यू डोंट हैव पैन कार्ड तो राइट एन, यदि आप लोग के पास पैन कार्ड नहीं है तो सिंपली आप लोग एन लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ बता दिया गया है। इसके बाद किस जॉब के लिए अप्लाई करो, इतना टाइप का वेरियस पोस्ट है अपने मुताबिक आपको देख लेना। जैसे मैं कलर के लिए कर रहा हूँ, सिंपली कलर क्लिक करना, चॉइस ऑफ द प्लेसिंग पोस्टिंग, आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए अपने मुताबिक आप लोग सेलेक्ट कर लेना है, और आप लोग को ये दो देना है पोस्टिंग का, ठीक है। इसके बाद अपने मुताबिक आप लोग सेलेक्ट कर लेना जो आप लोग नजदीक पड़े, इसका टोटल डिटेल चेक कर लेना, भर लेना, आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट कर दोगे इस तरह का आप लोग इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग तो हाउस नंबर देना, देखो ये जो स्टार मार्क है ये सब मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आप लोग का हाउस नंबर बता देना है। इसके बाद आप लोग का विलेज बता देना है, यहाँ पे क्या पड़ता है आप लोग का। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दे देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का पोस्ट ऑफिस दे देना है अपने मुताबिक। यहाँ पे आप लोग का थाना दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का डिस्ट्रिक्ट बता देना है, आप लोग का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे स्टेट बता देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे पिन कोड दे देना है। इसके बाद आप लोग यदि ये परमानेंट एड्रेस और ये दोनों जी सेम एड्रेस है तो सिंपली यस करना, जी अलग अलग है तो अलग अलग कर सकते हो, नो करोगे तो होगा नहीं तो सिंपली यस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिंपली आप लोग यहाँ पे टोटल डिटेल भर के सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है।
और ये जो ऊपर वाला एड्रेस आप लोग भरे वो आप लोग प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया है इज योर प्रेजेंट एड्रेस सेम इज परमानेंट, आपको यस करना सेम है, ये नो है तो सिंपली नो करोगे, तो अलग कोई लिखने का ऑप्शन नहीं दे रहा, बस यस नो में देने को बोल रहा, ठीक है, सिंपली करके आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट कर दोगे आप लोग चौथा स्टेप में आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर स्टेप में बताएगा क्वालिफिकेशन आप लोग का, ठीक है, तो मैट्रिक का बता पूछना है, हैव यू डॉन मैट्रिक स्टडी, तो आप लोग को येस नो में बता देना, येस कर देना आप लोग को, इसका सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करोगे इसके बाद देखो यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल देना है, नेम ऑफ स्कूल, आप किस स्कूल से पढ़े थे, ठीक है, इसके बाद आप लोग ईयर ऑफ पासिंग बता देना कब आप पास किए थे, इसके बाद टोटल मार्क्स ऑप्टेन बता देना आप लोग कितना मार्क्स आप लोग का आया था, ठीक है, इसके बाद आप लोग को यहाँ परसेंटेज बता देना, सॉरी यहाँ पे मार्क ऑप्टेन दे देना, यहाँ पे परसेंटेज देना, अच्छा सॉरी यहाँ पे आप लोग का कितना मार्क्स आया था, यहाँ पे आप लोग का परसेंटेज दे देना, ठीक है, इसका टोटल डिटेल भर के सिंपली फिर से नेक्स्ट कर देना। देखो यहाँ पे देखो पेज बढ़ रहा है जैसे जैसे नेक्स्ट कर, देखो अब ये 7 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। इसके बाद देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट 12 का बात कर रहा है कि आप पढ़े हैं, यदि पास हो तो यस करना है, सिंपली नो कर देना, और आप लोग यहाँ जितना डिटेल देखो उसी के मुताबिक आप लोग का क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि पहले आप लोग बता दिया यहाँ पे देखो क्वालिफिक जब आओगे यहाँ पे देखो फॉर्म फिलअप में जब आप आओगे देखो इसका अलग अलग पोस्ट है, किसी किसी ग्रेजुएशन नहीं मांगा होता, आपको टोटल यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल देना है, एक चीज का ध्यान रखना है तभी आप लोग का फुलफिल होगा, ठीक है। तो यहाँ 12th यदि होगा तो यस कर देना, नहीं तो नो भी कर सकते हो, मैं यस कर देता हूँ, यस करोगे तो देखो फिर से आप लोग का बोलेगा 12th कहाँ से पास किए, उसका स्कूल का नाम दे देना आप लोग को, इसके बाद पासिंग कब किए थे वो बता देना आप लोग को, या टोटल मार्क्स कितना था आप लोग को बता देना है, मतलब ऑप्टन मार्क्स है, ठीक है, ये ऑप्टन मार्क्स है, ऑप्टन आप लोग कितना किए थे आप लोग बता देना है, या परसेंटेज यहाँ बता देना है, इसके बाद आप लोग को फिर से नेक्स्ट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करोगे इसके बाद देखो यू हैव हैव यू डॉन ग्रेजुएशन, तो आपको यदि ग्रेजुएशन होगा तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है, यस करोगे तो आगे ऑप्शन खुलेगा, सिंपली हम नो कर देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, यू हैव हैव यू डॉन एनी कंप्यूटर डिप्लोमा क्लास, यदि आप लोग का कंप्यूटर का डिप्लोमा क्लास होगा तो यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर सकते हो, ठीक है, यस करोगे तो आगे और भी ऑप्शन खुल सकता है, तो आपने मतलब आप लोग देख लेना, इसके बाद ओके कर देना, नो करके आपको नेक्स्ट कर देना। इसके बाद देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फिर आप लोग को येस नो में बताना, ठीक है, देखो आप लोग का एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो कि नहीं, येस नो बता देना, एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं बता देना, ड्राइविंग रिलेटेड आप लोग जानते हो कि नहीं, या फिर एरोनॉटिक मोड रिलेटेड पता है कि नहीं, अदरस आप लोग सिंपली अपने येस नो अपने मतलब जाके बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज बताया गया है, ध्यान से आपको ये समझ, देखो यहाँ पे एक चीज बताया गया, प्लीज शेयर इन, देखो ये देखो यदि आप लोग के पास वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि लश्कर पोस्ट के लिए आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ बता देना है, यदि नहीं है तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ जो आंसर वाले सेक्शन में नो वर्क एक्सपीरियंस जो ये वाला ऑप्शन है आपको सिंपली ये लिख लेना है या कॉपी करके आपको सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। यदि आप लोग का नहीं है, यदि आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको लिखना है, तो किस तरह से लिखना है, देखो पहले आप लोग का जो कंपनी है देखो ये देखो आप लोग इस तरह से लिखना है, ट्रक ड्राइवर कंपनी है, मतलब क्या काम करते हो आप लोग, कहाँ पे करते हो, फॉर्म डेट इतना से इतना, या ड्यूटीज मतलब क्या काम करते थे, ड्राइविंग क्लीनिंग मेंटेन, इस तरह से आप लोग फॉर्मेट बना के आप लोग भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर एक प्राइवेट ड्राइवर का दिया गया, तो आप लोग इस तरह से इस माध्यम से आप लोग जैसे है सेम टू सेम जो वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग दे सकते हो, नहीं होगा तो सिंपली यहाँ पे जो आप लोग को है नो वर्क एक्सपीरियंस करके आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे देखो आगे ऑप्शन खुल जाएगा, देख पा रहे हो आप लोग, देखो अब एक चीज का, इसके बाद देखो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, तो आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बताया जाएगा, आपको यस नो बताना है, देखो वन पेज रिज्यूम, यदि आप रिज्यूम देना चाहते हो तो यस करना है, नहीं देना चाहते नो करना है, लेकिन आप जो भी यस करोगे जितना भी चीज यस करोगे, यदि आप लोग रिज्यूम यस किए, पासपोर्ट साइज फोटो यस किए, परमानेंट एड्रेस प्रूफ किए, आधार कार्ड किए, पैन कार्ड किए, जितना भी यदि यूज करोगे, यदि ये कैटेगरी नहीं देना चाहते क्योंकि जनरल है, विकलांगता नो है, ये नो है, मैट्रिक का डिटेल देना चाहते हो यस करना है, इंटरमीडिएट देना चाहते हो यस करना है, ग्रेजुएशन का डिटेल देना तो यस करना है, नो करना है, टोटल नो करना है, ड्राइविंग लाइसेंस नो करना है, एनसीसी नो करना है, एक्स सर्विसमैन देखो अपने मुताबिक आप लोग चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन मतलब कैरेक्टर होना होगा तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नेम करना। देखो अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नो करना, अब एक चीज का जितना यस किए होंगे, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चीज आप लोग को अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है देख पा रहे हो आप लोग, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है जो कि 5 MB से कम है, ठीक है, 5 MB से कम होना चाहिए, और अपलोड करने का भी कंडीशन क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप लोग जिस पोस्ट के लिए, जैसे मैं कलर के लिए कर रहा हूँ तो कलर करना है, कलर लिखना है, फिर अंडर स्कोर लिखना है, फिर आप लोग अपना नाम पूरा नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है रोहित, तो रोहित ये अंडर स्कोर, फिर कुमार अंडर स्कोर, फिर मोबाइल नंबर दे के आप लोग को सिंपली करना है, ठीक है, मतलब वो रीनेम कर लेना वो पीडीएफ को, उसके बाद आपको एड फाइल करके अपलोड करना है और इसको मर्ज कर लेना, पीडीएफ को मर्ज कर लेना है, मतलब समझ लो कि आपके पास जेपीजी है, पहले सबको जेपीजी कन्वर्ट कर लो, इसके बाद आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली लिख लेना आई लव पीडीएफ, ठीक है, आई लव पीडीएफ कर दोगे आप लोग, पहले सब जितना भी फोल्डर रिज्यूम है फोटो है सबको आप लोगों को जितना 8 चीज़ है 8 चीज़ को आप लोगों को कोई जेपीजी फोल्डर में रख लेना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जेपीजी पीडीएफ, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और जैसा जिसको आप सीक्वेंस दिए हो वैसा सीक्वेंस कर लेना, जैसे कि मेरा इसमें देखो 1 2 3 4 5 ले लिए, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के बताने के लिए सिंपली ये कर लिए, ठीक है। देखो आप समझ लो कि आपका पहला आप लोगों को क्या था रिज्यूम था, तो सिंपली देखो यहाँ पे ये पहला ये समझ लो कि रिज्यूम एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, इसको इस तरह से आपको टांग के आगे पीछे कर सकते हो, ये देखो ये रिज्यूम के बाद समझ लो कि फोटो होगा, ये आप लोग का फोटो है, तो इसको इस तरह से आगे आगे पीछे करके कर लेना है, इस तरह से आप लोग टोटल जितना 8 फोल्डर हुआ जितना जिसको यस के होंगे इसको कर देना है मर्ज, और आपको सिंपली कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ करोगे जैसे ही आप लोग पीडीएफ हो जाएगा, देखो ये पीडीएफ हो चुका है,
पीडीएफ हो चुका है। अब ये पीडीएफ को इसके बाद आपको मर्ज कर लेना है, जैसा सेम टू सेम प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे आना है, इसके बाद इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको जिस देखो रीनेम का ऑप्शन दिखेगा रीनेम कर लेना है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सेम टू सेम आप लोगों को कलर यहाँ पे जैसा बोला गया जिस माध्यम से आपको वैसा कर लेना है, ठीक है। देखो जैसा बोला गया सिंपली आप लोग देखो ये लिख लेना है ध्यानपूर्वक एकदम। देखो नीचे आना आप लोगों को, सेम टू सेम ये रीनेम करके डालना, क्योंकि बोला गया जिस देखो यहाँ कलर है तो कलर नहीं डालना सबको। आप यदि आप लोग अलग पोस्ट के लिए कर रहे हो, चौकीदार पोस्ट के लिए कर रहे हो, यहाँ चौकीदार लिखना, फिर नाम लिखना पूरा नाम, फिर अंडर स्कोर मोबाइल नंबर लिखना। देखो एग्जाम्पल तौर पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ये डिलीट कैसे हो गया, देखो इस तरह से आना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है, जहाँ भी आप लोग रीनेम का ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाला पेज कर लेना है। देखो मेरा कलर पोस्ट है, ठीक है, कलर पोस्ट मेरा ठीक है। इसके बाद देखो पहला अक्षर, देखो ये लोग कैपिटल दिया, सेम टू सेम ध्यान रखना आप लोगों को, पहला अक्षर लोग कैपिटल दिया तो कैपिटल दे देना है। इसके बाद आप लोग जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम सेम टू सेम मेरा नाम कर देगा, ठीक है, रोहित कर देना है। चलिए कुमार होगा तो कुमार दे देना, नहीं जो मेरा नाम है सेम टू सेम करके बताते हैं, सिंह कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे अंडर स्कोर देखे आप लोग जितना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा आप लोग का, 2 3 4 5 6 7 8 10 इस तरह से देखे आपको, बस ये वाला नाम आपको करके सिंपली अपलोड कर देना, ठीक है। इजीली आप लोग को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। 5 MB से कम होना चाहिए, ध्यान रखना 5 MB तक आपको जाएगा नहीं। सिंपली इस तरह से सेलेक्ट करना है, इसके बाद ब्राउज़ वाले फाइल में जाना है। देखो अभी जो मैंने किया ये इस तरह से सेलेक्ट करके सिंपली आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरह से अपलोड होगा, देखो इस तरह से आप लोग अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाए, इसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पे देखो ये कंफर्म कर लेना है, यहाँ पे ये कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर देना, ठीक है। जैसे करोगे इसके बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखे, देख पा रहे हो, जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, देख पा रहे हो। थैंक यू फॉर फिलिंग फॉर्म, वी विल गेट बैक टू शॉर्टली। तो आपको क्या है, बाद में वो लोग का जानकारी आपको मेल माध्यम से या मोबाइल में नंबर व्हाट्सएप जो नंबर दिया उसके माध्यम से आप लोग को जानकारी, आप लोग का सिलेक्शन होता है तो आप लोग को उसकी जानकारी के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और मेल आईडी तो सही से देना है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट आउट कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। बस आप लोग साइड में आके कभी कभी चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, कभी भी इससे रिलेटेड आता है कुछ भी तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।